नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देहरादून लाइव में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। कहते हैं कि अगर शहरों की हमें इतिहास जानना हो तो उसके लिए हमें शहर के गली कूचों में ही जाना होता है, जहां से शहर के जो पूरा इतिहास है वो निकल करके आता है। वहीं बात करें अगर हम देहरादून की, उत्तराखंड की राजधानी की, तो देहरादून का पल्टन बाजार सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ इतना ही नहीं, काफ़ी लंबे वक्त से ये पल्टन बाजार लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाए हुए है। और चाहे बीती हुई जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन हो या अब की जनरेशन हो, हर कोई पल्टन बाजार आना पसंद करता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पल्टन बाजार में जो चकाचौंध आपको देखने को मिलती है वो आपका मन अलग ही तरीके से लुभाती है। और साथ ही यहाँ पर बिकने वाले कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ हो, या फिर अगर आपका मूड नहीं सही है तो आप यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं और यहीं पर आपको एक तरीके का मनोरंजन हो जाता है। लेकिन बात करें पल्टन बाज़ार की, तो आखिर ये पल्टन बाज़ार बना कैसे? अगर हम देखें तो इतिहास में पल्टन बाज़ार का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से इसका नाम पल्टन बाज़ार पड़ा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आने लगे, किस तरीके से यहाँ पर मार्केट बसी, आज इसी बारे में हम जानकारी लेने आए हैं पल्टन बाज़ार में। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भले ही दुकानें अब वेल डेवलप हो गई हों, फर्नीचर्स अच्छे अच्छे बन गए हों, सबने अपनी नई नई बिल्डिंग्स वक्त के साथ बदल ली हो, लेकिन आज भी यहाँ पर देहरादून का जो इतिहास है वो बोलता है। यहाँ की जो इमारतें हैं आप उनको देख करके पता कर लगा सकते हैं कि उस वक्त की जो कारीगरी है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। पहले के वक्त में जिस तरीके से मकान हुआ करते थे, वहाँ पर झरोखे हुआ करते थे, वो उसका एक अंश आपको सामने इस वक्त दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि आज भी लोग अपनी धरोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि जनरेशन वाइज जनरेशन अपने काम को, अपने पिता द्वारा दी गई धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। उस याद को कहीं ना कहीं लोगों ने जिंदा रखा है। अगर आप गौर करेंगे तो जो दरवाज़ा सामने बना हुआ है, उस दरवाजे को देख करके आप देख सकते हैं कि ये पुराने टाइम की आपको याद दिला देगा, उस वक्त की जब शायद अंग्रेज़ हुआ करते थे, उस वक्त की जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में लोग अपने आप को बनाने लगे, अपना हिंदुस्तान को बनाने लगे, उस वक्त की ये याद दिलाता है। आज वक्त के साथ चीज़ें तो बदल गई हैं, नई नए बिल्डिंग्स बन गई हैं, नए नए काम तरीके आ गए हैं, लेकिन यही यादें हैं, यही मॉन्यूमेंट्स और यही इमारतें हैं जो कि कहीं ना कहीं पुराने देहरादून को और पुराने पल्टन बाज़ार को दर्शाते हैं। बात करें पल्टन बाज़ार की, तो पल्टन बाज़ार में यहाँ पर शुरू से ही एक मस्जिद और एक मंदिर मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो आप सभी अगर पल्टन बाज़ार आते होंगे तो पल्टन बाज़ार में एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि काफ़ी लंबे वक्त से है यहाँ पर, और एक मस्जिद है जो कि बहुत वो भी काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर स्थित है। और वहीं इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें क्या अभी भी हैं, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो कि उस वक्त से चली आ रही हैं, और किस तरीके से इस बाज़ार का नाम पल्टन बाज़ार पड़ा। तो आइए चलते हैं पल्टन बाज़ार के इतिहास को लेकर के। आज हम जो कहानी कर रहे हैं उसी के ऊपर हम बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त पल्टन बाज़ार की सबसे बड़ी शॉप पर, और यहाँ पर जो उनके मालिक हैं उनसे हम जानेंगे कि पल्टन बाज़ार कब बना और इससे पहले यहाँ की क्या स्थिति थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है। ये पल्टन बाज़ार जो है ये 30s में बना था, 1930 साल में, और उस ज़माने में यहाँ से पल्टन चल के जाया करती थी, इस वास्ते इसका नाम पल्टन बाज़ार रखा गया। जो अच्छे खासे लोग हैं, बड़ी अमीर लोग, वो नहीं आते इस बाज़ार में। इस बाज़ार में रह गया सारा मीडियम गाक, क्योंकि बाज़ार में आने जाने की जगह तो है ही नहीं। घंटाघर से एंट्री करो, आगे पॉलिश वाले बैठे हैं, स्कूटर खड़े हैं, दुकानों को आगे फड़ियाँ लग गई हैं। उस वक्त रोशनी कम थी, छोटी छोटी दुकान, इतनी भीड़ नहीं होती थी वहाँ यहाँ पर, और जो दुकानें थी इतने बड़े बड़े शोरूम नहीं थे, देखने में सिंपल थी। बल्ब लटकते थे वैसे, ट्यूब और बल्ब लाइट जैसे ऑर्डिनरी बल्ब होते थे, वो होते थे उस समय। ये तो CFL तो बाद में आए ना। आपकी ये जो स्ट्रीट शॉप है सबसे पुरानी बताई जाती है, तो कब से है ये यहाँ? ये हमारी 150 ईयर्स ओल्ड शॉप्स है, 150 साल हो गए हैं जी। तब से मिठाई का ही कारोबार, मिठाई का कारोबार है। मैं थर्ड जनरेशन का आदमी हूँ। यानी कि आपके परदादा जी ने शुरू किया? यस, मेरे ग्रैंड फादर थे, उन्होंने शुरू किया। ये घंटाघर बाद में बना। घंटाघर बनने के बाद 5 साल तक इस पर कोई प्लास्टर नहीं हुआ, क्योंकि इसके बिल्डिंग इधर से देखो तो लेफ्ट झुकी मालूम होती थी, उधर से देखो राजपुर रोड से देखो तो दाएं को झुकी होती थी।
पब्लिक का रिस्क सोच के इस पर नहीं हुआ। फिर बाद में अमेरिका से लोग आए, इंजीनियर आए, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला। इस बिल्डिंग घंटाघर को विजय सिंह एंड फैमिली ने बनवाई थी अपने नाम के लिए। घंटाघर तो है शुरू से ही, जब से हमारी याददाश्त में इसमें लिखा हुआ कब से बना हुआ है घंटाघर। बहुत पहले तो इसका नाम गांधी बाजार था। यहाँ पर पलटन बाजार इसका इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों की ब्रिटिश टाइम की जो मिलिट्री होती थी पड़ी रहती थी यहाँ पर पलटन, तो इसलिए पलटन बाजार इसका नाम पड़ा। पहले पलटन बाजार में सिंपल शॉप्स होती थी और अब तो डेकोरेटिव हो गई है सारी, एक ही तीन तीन हो गई है। पहले एक बड़ी होती थी, उसकी तीन छोटी हो गई है। ये सीधी रोड जो है सीधी स्टेशन को जाती है, यहाँ से स्टेशन जो है एक मील है 1.6 किलोमीटर। 13 साल की उम्र से बैठा था, 53 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। बहुत अलग हुआ था, दिन में हम गाँव गिनते थे, 100 बंदे आए 50 बंदे आए मार्केट में। तब से ऐसा था कि इतना रश नहीं था पटना बाजार में, इतना ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियाँ कम थी और बहुत पीसफुल चलता था ट्रैफिक। और राजपुर रोड पर काफ़ी बसावट थी, अंग्रेज लोग भी रहते थे तो वहाँ से यहाँ तक आते थे वो शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर ये मंदिर है, पंचायती मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये। इसके बाहर एक फुहारा होता था, वो आज नहीं है। और ये दिग्विजय टाकीज है, यहाँ पर पहले प्रकाश टाकीज होता था। उस समय एक तो दर्शोला लैंड सन्स की कपड़े की दुकान है सामने जी। और भी कई रामा मार्केट है उधर, आपके ऊपर पलटन बाज़ार में गांधी आश्रम था, ये सब पुराना है, पुराना ओल्ड टाइम का बिल्डिंग। और ये सब लोग ऊपर आगे घंटाघर से ऊपर शॉप्स हैं। जैसा कि आपने देखा जब हमने लोगों से बात की, तो आज भी बहुत कम लोग हैं जो कि उस जनरेशन के अभी भी हैं। जाहिर सी बात है इतना लंबा वक्त बीत चुका है तो उस वक्त के लोगों का अब होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से हमें बताया गया कि पलटन बाज़ार का नाम इसलिए पलटन पड़ा क्योंकि यहाँ पर आर्मी आया करती थी, ब्रिटिश आर्मी थी जो कि आकर के यहाँ पर विश्राम किया करते थे। उनकी जो शॉपिंग की चीज़ें होती थी, जैसे आर्मी की भी एक, अगर आप इधर की तरफ आएंगे मच्छी बाज़ार की तरफ, तो यहाँ पर आर्मी की कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से पलटन आया करती थी और तब से इसका नाम पलटन बाज़ार रख दिया गया था। साथ ही लोगों का कहना है कि शुरू के वक्त में पलटन बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी, जाहिर है उस वक्त आबादी भी कम थी, लोग भी कम थे, तो ना तो इतनी दुकानें हुआ करती थी ना ही इतनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे भीड़ होती गई और यहाँ पर लोग आते गए, और उसके साथ ही अब यहाँ पर दुकानें भी इतनी बढ़ गई हैं। कुछ लोगों को पसंद आता है ये पलटन बाज़ार, तो कुछ आज भी उन्हीं यादों में जी रहे हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पुराना रेस्टोरेंट लक्ष्मी रेस्टोरेंट भी हमने देखा, जो कि एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, 150 साल पुरानी एक मिठाई की शॉप जिसका नाम रोशन स्वीट्स था, वो भी हमने देखा कि वो भी अपने धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम या आप नहीं जानते हैं, लेकिन लंबे वक्त से वो देहरादून के इतिहास को और देहरादून की खासियत को बनाए हुए हैं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देहरादून लाइव, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि उत्तराखंड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।